ये खस्ता और दुशवार गुजार पहाड़ी रास्ता उड़ी के चोरंडा गांव की तरफ जाता है चोरंडा कंट्रोल लाइन के नहायत करीब वाक है दूसरी जानब पाकिस्तानी जेर इंतजाम कश्मीर का ख्वाजाबांडी इलाका है दोनों तरफ की अफवाज जब तोपू के दहाने खोल देती हैं बारूदी गोले चोरंडा में भी गिरते हैं गुजश्ता माह ऐसा ही एक गोला मकानी मस्जिद के इमाम के सहन में गिरा था तो उसमें दोपहर के जब खाना खा कर छुपने के लिए जा रहे थे तो जो ही गोला पड़ा तो हम भाग रहे थे तो मेरे पीछे मेरी नानी थी उसको जब लग गई शरीर लग गई तो फिर उसको बेचारी को अठा कर रखा तो वो खत्म पंद्रह मिनट निकाली उसने क्योंकि अस्पताल में जाने का उसका कोई चांस रहा ही नहीं था शरीर चोट लगी थी उसको मौलवी जहूर अहमद उस हादसे के बाद नफ्सियाती तनाव का शिकार हो गए हैं उनका बेटा फौज के साथ मजदूरी करता है हम भाग रहे थे छुपने के लिए अच्छा। तो यहाँ पे मेरी मम्मी पहुंची मकान के कारनर में अच्छा। यहां से वो उस उसमें बंकर में छुपने के लिए जा रहे थे अच्छा। जो पशु के लिए जगह बनाई है उसमें छुपने के लिए जा रहे थे तो यहां से उसको टर्न करते टाइम ही में तो यहीं पे पहुंची और यहाँ पे उसको सल, जैसे वो स्प्लेंडर लगा तो इस जगह में लगा तकरीबन पेट में और यहाँ पे आके वो गिर चुकी थी हमारी फौज ने हमारी हेल्प की है पचास हजार रुपया भी दिया था हमारे साहब ने। ने हुकूमत इस इस के बाद इस और दूर उफ्तादा गांव में लोगों के लिए पुख्ता हिफाजती बंकरों की तामीर का काम शुरू किया है लेकिन लोग इस इकदाम से मुतमिन नहीं है गोलाबारी से कोई जख्मी हो जाए तो उसका बर वक्त अस्पताल पहुंचना तकरीबन नामुमकिन है में ये आप सामने देख रहे हो कि ये हमारे यहाँ एक कम्युनिटी बैंकर यहाँ बनाया जा रहा है क्योंकि इसकी वजह से हम लोग जो हैं थोड़े से महफूज रह सकते हैं जितना भी ये आस पास मोहला है ये सारे इसमें रह के तो अपनी जानों को महफूज कर सकते हैं पिछली बार जब भी शेलिंग हुई तो उसके शेल जो यहाँ आस पास गिरे हैं उनके स्पलेंडर जो है इस मकान में भी लगे हैं बाकी जो भी यहाँ पर गा हैं उनमें भी सप्लेंडर ने जो है नुकसान किए हुए हैं सर जब शेलिंग के दौरान ऐसी चीज़ हो जाती है यहाँ गाड़ी अवेलेबल नहीं होती है तो हम कंधे पर उस पेशेंट को उठाते हैं चारपाई पर उठा के तो मार्केट तक उड़ी तक पहुँचाते हैं हम सर हुकाम कहते हैं कि कस्बे से फासले और दुशवार गुजार सड़क की वजह से बाज ठेकेदारों ने काम से इनकार कर दिया ताहम अब मकामी लोगों की शराकत में यह काम फिर से शुरू किया गया है लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के दरमियान तकसीम करती है इस अबूरी सरहद के आर पार लाखों लोग आबाद हैं हम इस वक्त भारत के जैर निजाम कश्मीर के शुमाली कस्बा उड़ी में हैं जहां पर चुरंडा और बडग्रां जीरो लाइन पर वाक़ हैं यानी यह हमेशा दोनों अफवाज के दरमियान जब भी तसादम होता है तो गोलाबारी और फायरिंग की जद में होते हैं हालिया दिनों यहाँ एक खातून की मौत हो गई तो हुकूमत ने आबादी की हिफाजत के लिए पुख्ता बंकर्स का इंतज़ाम किया उस पर काम शुरू तो हो चुका है लेकिन तकमील को नहीं पहुँच रहा इसलिए लोग तब भी हालात के रहमक्रम पर थे आज भी हालात के रहमक्रम पर हैं रियाज मसरूर बी बी सी न्यूज़ उड़ी कश्मीर